विश्व हिंदू परिषद के द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत मंगलवार को मोहद्दीपुर गुरुद्वारा से संत यात्रा आसपास के क्षेत्रों में निकाला गया। इस दौरान आसपास के सिख समाज के लोगों को पत्रक बांटकर मतदान के लिए जागरूक किया गया, जिसके संबंध में विश्व हिंदू परिषद के संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि समाज को तोड़ने के लिए बहुत सी ताकतें एकजुट होकर चुनाव लड़ रही हैं। इसका जवाब समाज के द्वारा वोट देकर दिखाने की आवश्यकता है और वह एक ही विकल्प है। इसलिए 3 मार्च को मतदान के दिन अपने घर से मतदान के लिए स्वयं निकले और अगल बगल के लोग को भी मतदान के लिए प्रेरित करें ताकि सबका मतदान हो सके। उन्होंने कहा कि मतदान का प्रतिशत देश में स्थिरता लाता है और देश में ऐसी सरकार आती है जो सबके हितों का ध्यान रखती है। और यह यात्रा का रोज का कार्यक्रम नियमित चल रहा है तथा इस यात्रा में सम्मिलित लोग पूज्य संतों के नेतृत्व में प्रत्येक घरों में प्रत्येक व्यक्तियों से जा करके मिल करके उनको मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं और साथ में यह भी निवेदन कर रहे हैं कि वह प्रदेश में स्थिरता लाने वाली सरकार को वोट करें जो प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले हिंदू समाज वोट बैंक नहीं हुआ करता था, लेकिन हिंदुओं की संगठित शक्ति ने आज बहुत सी पार्टियों को एहसास कराया कि हिंदू अगर एक हो जाएं तो वह कुछ भी कर सकता है। और हम सब हिंदुओं का परम कर्तव्य है कि जो हिंदू हित के लिए काम कर रहा है ऐसी सरकार को वोट करें, उसको शासन में लाएं। इस अवसर पर सरदार मनमोहन सिंह, सरदार जगनैन सिंह, सूर्यनाथ सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ज्ञानी रसपाल सिंह ने कहा, तो आप सबसे यही अनुरोध है कि आप मतदान ज्यादा से ज्यादा करें। अभियान आओ भाई साहब, जय श्री राम। अभी गोरखी खान की तरफ से तो महानगर की ओर से श्री राम जय श्री राम। जयकारा वीर बजरंगे समय से वो देखिए मेन बात क्या बनी आप सबको दुर्गेश त्रिपाठी, आज ये किस तरह की जागरूकता रैली देश में जो 2014 के बाद से राष्ट्रवादी शक्तियों के शासन में आने से जो देश की जो प्रगति हुई है, जो उत्तर प्रदेश की जो प्रगति हुई है, उसी को लेकर के हम लोग के हिंदुओं के मन में एक भावना आई है कि अगर पुनः ऐसे शासन आएगा जो हिंदू हितों की बात करेगा, हिंदू हितों के बारे में सोचेगा, उसी क्रम में हम लोग आज यहाँ पर आज निरंकारी लोगों के तो उसमें ज्ञानी जी के साथ हम लोगों ने आप यहाँ पे निकाली है यात्रा और यहाँ पे उनके माध्यम से पूज्य संतों के माध्यम से हम लोग जन जागरण कर रहे हैं कि लोग घरों से निकलें और शत प्रतिशत मतदान करें। जब मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तब तब जो है वो देश का भाग्य बदलता है। इसलिए मतदान के दिन आराम न करें, पहले मतदान करें फिर जलपान करें। इसी भावना के साथ आज हम लोग आज यहाँ पे हम लोग निकले हैं मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, मतदान के लिए जागरूकता करने के लिए। ज्ञानी रसपाल सिंह जी, आज हम गुरुद्वारा मोहद्दीपुर से संत यात्रा निकाली गई है तो हम ये अपने जितने भी गोरखपुर के वासियों से बेनती करते हैं कि महाराज जी को कमल के फूल पर बिठा के जमा के महाराज जी को विजय बनाना है, उनको जिताना है, तो घर घर जाकर हम लोग पर्चे बांट रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं। वहाँ तो यही है, क्या संदेश दिया जाए? बहुत अच्छा वोट जाए सबको, महाराज की विजय बनाए, उनको वोट जिताए, उनको बहुत महत्व से यही बस।